गुड मॉर्निंग गाइस। सो आज है डे टू कंबोडिया के अंदर। फिलहाल मैं जा रहा हूँ यहाँ से बस स्टैंड, बिकॉज मुझे लेनी है यहाँ से बस कैपिटल फेनोम फना के लिए। और दो बसेज हैं यहाँ से जाने के लिए। आगे चलते हैं, फिर बताता हूँ उनके बारे में। हाँ, तो जैसे मैं बता रहा था, यहाँ से दो बसें हैं। जब मैंने अपने होटल के होस्ट से पूछा, उसने बोला या तो तुम यहाँ के लोकल बस स्टैंड चले जाओ जहाँ से तुम्हें करीबन $12 की बसें मिल जाएंगी, या तुम मेन रोड पर चली जाओ, क्योंकि मेन रोड से एक बस चलती है जिसे काफ़ी सारी सर्विसेज हैं, वो है वियतनाम टू कंबोडिया, सो हो ची मिन सिटी टू फेनोम फेनाम। जो वो बस है वो पीछे से आ रही होती है, उसमें करीबन सिर्फ जो वो बस है वो पीछे से आ रही होती है उसमें करीबन $5 का कॉस्ट लगता है। सो $7 बच जाएंगे अगर मैं थोड़ा सा वॉक कर लेता हूँ और अगर उस बस में जगह मिल जाती है तो। जैसे ये आम है लेट्स टेक वन ऑफ देम, आई एम गोना ईट दिस नाउ। बहुत ही कच्चे थे और कड़वे थे, मतलब अभी तक मेरे मुंह में कुछ है कड़वा कड़वा था। सो गाइस, ये आ गया मेन रोड जहाँ से आपको मिल सकती है बस। वैसे जो कैपिटल सिटी है यहाँ से करीबन 125 किलोमीटर दूर है। सो मुझे लगता है 125 किलोमीटर दूर के लिए, और ये रही बस, कुछ ऐसी बसें चलती हैं। खैर, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि यही बस स्टैंड हो, कि वहाँ से आना मुझे आराम से देख पाएगा। इंतज़ार करते हैं यहीं पे। आई टोल्ड यू 5, यू आर सेइंग 7 and 7। आई टेक अ बस इजीली, देयर इज अ बस एवरी 10 मिनट्स। थैंक यू, आई डोंट वांट, आई डोंट वांट गो विद यू नाउ। 5 ओके, छोड़ते हैं बस। ये बंदा कह रहा है मैं लेके ही जाऊंगा, तो चलते हैं फिर इसके साथ ही। कार टाइप ही है बट शायद और भी पैसेंजर्स हैं इसके अंदर। करीबन यहाँ से 2 घंटे लग सकते हैं। सो इंतज़ार करते हैं एंड पहुँचते हैं डेस्टिनेशन तक। सो गाइस, करीबन 1 घंटे निकल चुके हैं, ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं हम फेनोम पेन आई गेस। और यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप हुआ, यहीं बगल में एक रेस्टोरेंट है खाने पीने के लिए। सो लोग खाना खाने गए हैं। मैं दिखाता हूँ आपको जो कैब है हमें यहाँ तक लेके आई है। सो ये वाली है, इसमें कोई पीली पट्टी नहीं है, मतलब टैक्सी नहीं है पर्सनली है, बट कुछ ऐसा एरिया है। एंड ये वही बसें हैं जो कि चलती हैं वियतनाम से कंबोडिया के बीच में, यानी कुछ इलाका है। हेलो, और ये कुछ खाने की जगह है, काफ़ी टाइप के फिशेस रखे यहाँ पे। आइए, ये ड्राइड फिशेस है। ये शायद वो सिक्किम वाले मोमोज हैं, नॉट श्योर। इस पूरे 2.5 घंटे बाद फिलहाल मैं पहुंच चुका हूं कैपिटल सिटी ऑफ वियतनाम, जिसको पेनम पै और पै बोलते हैं। यहां पे मैंने एक हॉस्टल बुक किया है करीबन 550 रुपये दे के। सो जहां पे उस बंदे ने मुझे छोड़ा, यहां से करीबन है थोड़ा सा वॉक है, बहुत टाइम लग गया यार, बहुत पसीना भी निकल गया, बट शायद फाइनली पहुंच गए हैं। चलते अंदर, लेट्स सी क्या होने वाला है।
बहुत लंबे वॉक के बाद थोड़ा सा रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी होता है। सो यहाँ पे एक स्विमिंग पूल भी है। एक और चीज़ है, हॉस्टल होने के साथ साथ जो चीज़ें मिलती हैं वो काफ़ी बेहतर हैं। एंट्री के टाइम में काफ़ी सारे बोर्ड्स लगे हुए हैं बहुत खूबसूरत लाइंस के साथ, मोटिवेशनल लाइन के साथ। बहुत थक गया यार, अभी मैं बाहर गया था नाइट मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए। बहुत ही ब्यूटीफुल नाइट मार्केट है। बहुत ही स्टूपिड चीज़ें खाई है मैंने, कॉकरोच खाया है, दो ही टाइप के कीड़े खाए हैं, क्या ही बताऊँ। मुझे लगा उल्टी आएगी पर उल्टी नहीं आई, ठीक ठाक थे। वो इसके वाले बाद वाले ब्लॉग में आएगा, वरना ये बहुत बड़ा हो जाएगा। फ़िलहाल मैं हूँ अपने ड्रॉम में, आपको दिखाता हूँ किस तरीके का है ये। पहले ये बाहर का एरिया है एंड देन ये गेट बंद होने के बाद, कंपनी इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी ऑफ योर लॉसेस। ये आपकी चाबी है, ये कीज़ आपके लॉकर के लिए। खैर तो यहाँ पे करीबन आई थिंक 8 बेड्स है, तो 8 लॉकर है। इसके बाद ये कुछ ऐसे बेड्स हैं, सो काफ़ी अच्छा है, एयर कंडीशन है, बेड भी ठीक है, कंफर्टेबल भी हैं। सो काफ़ी एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। और प्राइस जो बताया 6 पॉइंट, अब याद भी नहीं आ रहा, बट समथिंग अराउंड 6 पॉइंट, लेट्स से $7 के नीचे ही है। सो $7 के नीचे है एंड काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, सो आप ज़रूर स्टे कर सकते हैं। इसके जस्ट बाहर बार है राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में पूल टेबल है पूल खेलने के लिए, सामने की तरफ स्विमिंग पूल है नहाने के लिए। सो वो चीज़ आपको मैंने दिन में दिखा दी थी, कुछ ऐसा ही है। एंड वॉशरूम दिखाता हूँ मैं आपको, कुछ ऐसा वॉशरूम है, ये ब्रश करने के लिए, ये शावर एंड देन ये आपका नंबर टू करने के लिए। मिरर भी काफ़ी क्लीन है, मतलब लिटरली क्लीन है, इतना क्लीन मिरर है। ये हैंड सोप वगैरह मिल जाता है, ये शायद ब्रशेज खुद के लाने पड़ेंगे आपको, बट कुछ ऐसा ही है। वैसे ऊपर वालों के लिए कुछ ऐसा दिखता है बेड एंड आपको यहाँ पे एक रीडिंग लाइट मिल जाती है अंधेरे में, साथ में यहाँ पे एक आउटलेट भी है। सो ये बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे आउटलेट है विच इज़ वेरी गुड। यहाँ पर्दे भी लगे हुए हैं एंड काफ़ी अच्छा है। खैर एसी दूर है, वो एक माइनस पॉइंट है शायद, उसको यहाँ पे होना चाहिए था या मुझे वहाँ पे होना चाहिए था, बट यहाँ भी कुछ स्पेस है। सो अगर आपके लगेज बड़े बड़े हैं इसके अंदर नहीं आ रहे तो आप यहाँ भी रख सकते हो, अगर कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है तो। बिकॉज ये देखो आई एम नॉट गुड एट इट यार, नहीं आता मुझे खेलने, बट आई एम ट्राइंग। ठीक है फिर यहीं तक रखते हैं इस ब्लॉग को। जो अमाउंट मैंने पे किया है उसमें फ्री ब्रेकफास्ट नहीं है, थोड़ा एक्स्ट्रा शायद 400 एक्स्ट्रा पे करने को फ्री ब्रेकफास्ट मिल सकता है। 400 बहुत ज़्यादा होते हैं यार, मैं 200 में बाहर इतना ज़्यादा पेट भर खा लूँगा कि पूछो मत, इतना आराम से मिल जाता है यहाँ पे। एंड या इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। कुछ इंटरेस्टिंग होगा तो ऑफकोर्स हमेशा की तरह मैं ऐड कर दूंगा, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं होगा सो ये है लास्ट क्लिप इस वीडियो की। थैंक यू सो मच देखने के लिए, प्लीज़ सपोर्ट मी, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कॉमेंट। कॉमेंट से बहुत फ़ायदे होते हैं यार, कॉमेंट से यूट्यूब को लगता है कि लोगों को इंटरेस्ट है वीडियो में, सो वो वीडियो को रेकमेंड करता है। कई बार वीडियो अच्छी होती है लेकिन लोग कमेंट नहीं करते, सिर्फ देख के चले जाते हैं, सो यूट्यूब को आइडिया नहीं मिलता कि वीडियो सचमुच अच्छी है, तो वो रेकमेंड नहीं करता। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो कंबोडिया के अंदर स्टे करने के लिए, एक सस्ती सी जगह या सस्ता सा होटल हॉस्टल जो बोल लो विद अमेजिंग बेनिफिट्स, सब ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें और दूसरे से शेयर भी करें। एंड आप भी यहाँ रह सकते हैं, मुझे कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा है यहाँ पे, सो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं इनकी तारीफ़ कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा, स्पॉन्सर नहीं है, बट सच में अच्छा है, मुझे अच्छा लगा। और एक अच्छी बात यह है मेरे साथ कि मैं बहुत ज़्यादा जगहों पर रहता हूँ, मतलब मैं बुरे से बुरे और अच्छे से अच्छे जगह पर रहता हूँ, जिसकी वजह से मुझे अच्छी चीज़ों की वैल्यू पता चलती है, बिकॉज मैं बुरे में रह के आया हूँ। और जो एवरेज होता है मुझे वो भी अच्छा ही लगता है, बिकॉज मैं उससे बुरे में रह के आया हूँ, सो मेरे लिए काफ़ी बेहतर है ये। फिनिश करते हैं, बहुत बोर कर रहा हूँ, चलो गुड नाइट।